हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मेरे जो पर्सलिन और पोर्चुलका है उन पर अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अभी सारे कलर के जो मेरे पास ये हैं उन पर फ्लावरिंग नहीं हुई है, जैसे कि अभी मर्जेंटा जो पिंक कलर टाइप का होता है वो अभी नहीं खिला है। तो अभी मेरे पर्सलिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब तक शाम को मैं आती हूँ तब तक मेरा ये पर्सलिन के जो फ्लावर है ये सारे बंद हो चुके होते हैं, क्लोज़ हो चुके होते हैं। तो मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में जाकर आज एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ग्राउंड में लगा सकते हैं, जिसमें भी आप लगाएंगे हर तरह से चल जाते हैं। किसी तरह की कोई केयर नहीं, कोई अलग से इनको खाद नहीं देना होता, और जितना आप इनको पिंच करते जाएंगे ये बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही ये बढ़ जाते हैं आप इसको यहाँ पिंच कर दें तो अच्छी इसमें ब्रांचेस निकल करके आती हैं और हैवी फ्लावरिंग ये देते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है अपना पर्सलिन का ये जो बास्केट है। और जो मेरा पिंक कलर वाला था वो ख़राब हो गया, तो अब यही बचा है, पता नहीं वो उसका एक भी ब्रांच भी नहीं बचा तो लगाने के लिए। और इधर ये वाइट वाले पोर्चुलका देखिए, इन पर भी फ्लावरिंग ये क्या बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, इनको पिंच करना भूल गए हम लोग, तो अभी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग इन पर भी हो रही है। तो ये देखिए, और इधर भी एक बास्केट में पर्सलिन लगा है, एक ही दूसरे कलर का पर्सलिन है लेकर के आए हैं, पर अभी पता नहीं कौन सा कलर है, तो देखते हैं, हो सकता है यही वाला कलर हो, तो अभी फ्लावरिंग होने पर ही पता चलेगा। और इधर ये ऑरेंज कलर का बास्केट, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और पांच तरह के मेरे पास पोर्चुलका थे, तो अब सिर्फ यही बचा है, क्योंकि दो बास्केट मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए, येलो कलर वाला और रेड कलर का। तो अभी ये चार कलर के हैं, और सॉरी छः कलर के थे, तो अब यही बचे हैं। और इसमें इस बार ये देखिए कुछ अलग सा वेरीगेटेड टाइप के फ्लावर ये बन गए हैं, अपने आप बने हैं ये, जबकि हमने तो सिर्फ ऑरेंज कलर ही लगाया है, लेकिन एक ही फ्लावर मुझे ऐसा लग रहा है और बाकी तो सारे ये ऑरेंज कलर के ही लग रहे हैं। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये देते हैं, बस शाम तक ये फूल नहीं रहते, यही एक अच्छा सा नहीं लगता, और जब ये सुबह मॉर्निंग में खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, गार्डन पूरा भरा हुआ। तो अभी मैंने इनको बहुत अच्छे से सेट नहीं किया है, तो ये देखिए ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, एक एक ब्रांच भी इसके तोड़ के आप लगाएंगे तो सारा गार्डन आपका फूलों से भर जाएगा। और बरसात के समय सबसे अच्छा हमारे गार्डन को लुक देने वाले यही प्लांट होते हैं, तो आसानी से लग जाते हैं। तो आपको जहाँ भी मिले आप इसकी छोटी सी एक ब्रांच भी लेकर के आएंगे तो लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से हो जाती है, कोई केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वैसे मैं हर साल करती हूँ, मेरे अगर लास्ट वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा कलेक्शन दिखेगा इनका, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है और पूरे पूरे बास्केट भरे हुए फूलों के होते थे, तो अभी बस यही है, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ये पर्सलिन का और पोर्चुलका का जो कलेक्शन है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।